आय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नश्यप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं का जो धारावाहिक सत्संग सुनते आ रहे हैं, आज ब्रह्मा जी देवताओं के साथ खीर सागर में के तट पे देवताओं के संकट का समाचार और सहायता के लिए भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु को खीर सागर के तट पे जो प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी आज पूर्ण आहुति पे पहुंचेंगे और फिर भगवान प्रकट होंगे देवताओं के सामने, तब फिर पुनः प्रार्थना करेंगे ब्रह्मा जी। मैं समझता हूँ इसके आगे वाले छठे अध्याय के अंदर उसको हम शुरू कर पाएंगे कल कृष्ण के पास। तो आइए 47वें श्लोक से आगे इस प्रार्थनाओं का पाठ करते हैं। क्लेश भूरी अल्पसाराणी कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषार्थानां न तथैवा अर्पितं त्वयि। क्लेश, क्लेश कहते हैं दुख को। भूरी का मतलब अधिक, बहुत ज्यादा। अल्प फिर थोड़ा। साराणी जो सार किसी चीज का है, जो अच्छा फल मिलता है, कर्माणी कर्मों का, विफलानी विफल हो जाता है, किसका? देही नाम देहधारियों का। कौन से देहधारियों का? विषय अर्था नाम, जो सारी मेहनत करते हैं इंद्रियों के विषय के भोग के लिए धन इकट्ठा करते हैं, वो सब व्यर्थ चला जाता है। क्लेश अधिक है और लाभ अल्प है और फल व्यर्थ चला जाता है। अब उनकी तुलना कर रहे हैं, न तथा वैसे नहीं होता है, किसका? एव अर्पितम त्वयि। भगवान जो अपने कर्मों का फल अपने भोग के लिए नहीं परंतु आपको अर्पण करते हैं, उनको क्लेश भी नहीं होता है और उनका फल विफल भी नहीं जाता है। तो इस श्लोक का भाव है, जो केवल कर्मी है, कर्मी वो कहते हैं काम करके कमा के और उसका भोग करना चाहते हैं,
क्यों कमाते हैं? बोला भोग करने के लिए। कौन सा? इंद्रियों के भोग के लिए। वो सदा ही चिंतित रहते हैं धन इकट्ठा करने में, और धन इकट्ठा करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्लेश उठाना पड़ता है। भले वो कितना मेहनत करके काम करें, बहुत परिश्रम भी करें, परंतु फल कभी संतुष्टिजनक नहीं होता है। उसके विपरीत अगर भगवान को फल अर्पण किया जाए, भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया जाए, तो बहु मात्रा में फल मिलेगा, वास्तविक फल मिलेगा, और वह प्रयास भी अधिक नहीं करना पड़ेगा, क्लेश भी नहीं उठाना पड़ेगा, और जो फल मिलेगा वो भक्त की आशा से अति ज्यादा होगा, अनंत होगा। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, जो कार्य भगवान आपके लिए की जाती है, किए जाते हैं, उनकी तुलना सामान्य इंद्रिय भोग के कर्मियों के काम से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कर्मियों के काम में कलेश भी ज्यादा है, परिश्रम भी ज्यादा है, और फल कुछ नहीं है, और आपकी सेवा में कलेश कम है और फल अधिक है। देवता कहते हैं, हमारा जो ये पुण्य कार्य है, अब देवता कहते हैं हमारा जो पुण्य कार्य है ये तो आपको अर्पित है, इसके लिए ये विफल नहीं जाएगा। जैसे भौतिक भोगियों का विफल जाता है, ऐसे हमारा कार्य ये निष्फल नहीं जाएगा। भक्त जो अपने कार्य आपको अर्पण करते हैं भगवान, वो भौतिकवादियों के कार्य जैसे नहीं होते हैं। भौतिकवादियों के कार्य दुखदायी हैं और अल्प फल देते हैं, और आपकी सेवा के कार्य सुखदायी है और अनंत फल देते हैं। प्रभुपाद जी इसका भावार्थ लिखते हुए कहते हैं कि हमने तो आंखों से देखा है, ये हमारा अनुभव है, जिन भक्तों ने कृष्ण भावना में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, उनको अनंत अवसर मिल रहे हैं भगवान की सेवा के, और कोई परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं। और प्रभुपाद जी अपने जीवन, मैंने समझता हूँ ये शायद हमने तात्पर्य पढ़ा था, प्रभुपाद जी का अपना इसमें जो अनुभव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पुनः सुनने में भी कोई आपत्ति नहीं है। बोला परिश्रम हमने कुछ नहीं किया, उद्यान में बैठ के खड़ताल बजा के हरे कृष्ण मंत्र गाया, कार्य 40 रुपये से शुरू किया, और 8-10 साल में ये 40 करोड़ का, क्या 40 अरब का हो गया, या 40 करोड़ का लिखा है। अब बताइए कि बिना परिश्रम के इतना किसी को फल मिलेगा? ये प्रमाण है कि भगवान की सेवा में अर्पित किया हुआ फल अनंत कोटि मल्टीप्लाई होके वापस आता है। आप थोड़ी सेवा करो और भगवान उसका फल बहुत आपके विचार और सोच और समझ से ज्यादा देते हैं। सामान्य लोग जो है काम करते इतना कभी कमा नहीं सकते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। हम तो खाते पीते नाचते गाते हैं, भक्तों के संग में विश्व का भ्रमण करते हुए ये सब अपने आप आ गया, तो कितना आश्चर्य है इसमें। कृष्ण भावना में सब कार्य जो है वो उत्साह वर्धन करने वाले हैं और हमारे भक्ति को और उन्नत करने वाले हैं। कृष्ण भावना आंदोलन संघ कर्मियों में के बीच में इतना ज्यादा
आकर्षक नहीं है, वो इससे ज्यादा इतने प्रभावित नहीं है, इसको पसंद नहीं करते हैं। परंतु फिर भी बहुत सारे शत्रु हमारे इस प्रचार के हैं, रुकावटें बहुत हैं, फिर भी हमारा कार्य सफलता से आगे बढ़ रहा है। और प्रभुपाद जी हमको सलाह दे रहे हैं कि आप अगर अपने जीवन में भक्त इस कृष्ण भावना के कार्य को लगन के साथ अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पण करें करोगे तो कोई इसमें रुकावट नहीं डाल सकता। और ये संस्था अनंत असीम ऊंचाइयों को और दूरियों को छुएगा। और प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हरे कृष्ण जपो। 48वां श्लोक पढ़ रहे हैं, नावमह कर्म कल्पपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैव सहि आत्मा दयितो हितः। न अवमह कर्म कल्प अपि विफलाय ईश्वर अर्पित कल्पते। थोड़ा सा भी कार्य, बहुत तुच्छ कोई कार्य, और वो कार्य अगर सही किया जाए, अच्छी मानसिकता से भगवान से भगवत सेवा समझ के किया जाए तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और क्योंकि वो भगवान को अर्पण किया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। किसका, कोई भी करे, पुरुषस्य कोई भी जीव करे, निश्चित रूप से वो भगवान जो परमात्मा है हमारे हृदय में, वो हमारे पिता के समान है। दैत्य बहुत प्रेम करता है, दैत्य कहते हैं प्रेमी को, और हित और हमारा हित करते हैं। जो कार्य भगवान परम पुरुष भगवान के निमित्त हैं, भले अल्प किए जाएं परंतु सही मानसिकता से किए जाएं तो कभी व्यर्थ नहीं जाते। परम पुरुष भगवान हमारे परम पिता भी हैं, तो वास्तव में हमसे प्रेम करते हैं और सदा ही हमारे हित के लिए, सारे जीवों के लिए हित का ही सोचते हैं। कार्य नहीं, कार्य का कोई थोड़ा सा छाया मात्र भी हो ना, और भगवान को अर्पण किया जाए तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। वैसे कहते हैं कि हमारी अच्छाई को भगवान भूलते नहीं है, हमारी बुराई को याद नहीं रखते, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान जो हमारी आत्मा है, क्या परमात्मा है, वो हमसे स्नेह करते हैं और हमारा हित करते हैं। छोटी सेवा बड़ा फल देती है, और बड़े कार्य किए और भगवान को अर्पण नहीं किए जाए तो कोई फायदा नहीं। एक लाइन में लिखा है, अगर भगवान का सम्मान करेंगे तो सफल होंगे, भगवान का निरादर करेंगे तो सदा ही निष्फल होंगे। श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता के 2:40 में भगवान ने कहा है, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, थोड़ा सा भी भक्ति का कार्य, भगवान को अर्पित कार्य किया जाए तो बड़े से बड़े भय से भी बचा देगा। यहां धर्मस्य का अर्थ है भागवत धर्मस्य, भगवत संबंधी कार्य। जैसे अजामिल ने अपने बेटे के
नाम के बहाने नारायण का नाम जपा तो मृत्यु के यम फांसों से मुक्त हो गया, इससे बड़ा और क्या संकट हो सकता है। छोटे कार्य का महान फल भगवान ही दे सकते हैं। हम तो सामान्य उदाहरण देते हैं, ये पृथ्वी माता है, भगवान की पत्नी है, इसमें एक दाना डालते हैं तीन महीने, एक दाने के तीन महीने में हजारों दाने दे देती है, इतना इससे ज़्यादा और कौन लाभ देगा, कहाँ इतना रिटर्न दुनिया में मिलता है। प्रभुपाद कहते हैं इतिहास में ऐसे बहुत से विश्व में आपको उदाहरण मिलेंगे जहां भगवान की अल्प सेवा ने लोगों को बड़े से बड़े संकट से बचा लिया। अजामिल का उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, नरक गामी था, यमदूतों की पांच गले में पड़ गई थी, फिर भी नारायण के नाम के उच्चारण करने से ऐसे नरक जैसे कष्ट से और खतरे से बच गया। और ये पूरी कथा लिखी है अजामिल की प्रभुपाद जी ने, अंते नारायण स्मृति, अंत में हमारे को अगर नारायण की याद आ जाए तो समझो कि हमारे जीवन के सारे कार्य सफल। नारायण कृष्ण राम अंत में याद आए तो निश्चित रूप से वो भगवत धाम जाएगा, दिव्य स्थिति को प्राप्त करेगा। वास्तव में परम पुरुष भगवान एक ही है जिससे प्रेम किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, उन्हीं से प्रेम करना चाहिए, उन्हीं ने अपना प्रेम हमारे हृदय में भर के भेजा है। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं और जब तक हमारे को भौतिक इच्छाएं पूरी करने की कामनाएं बनी हुई है, फिर भी अगर हम भगवान के संपर्क में आ जाएं, भगवान के नाम के रूप में, भगवान के अर्च विग्रह के रूप में, भगवान के भक्तों के अंदर, भगवान के सत्संग के रूप में, तो निश्चित रूप से तत्काल ही हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे और पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा अपनी माता की गोद में आने से सब दुख भूल जाता है, ऐसे संसार में हम भले भटकते हों लेकिन एक बार भगवान के भक्तों के संग में और हरि कथा में आ गए तो मानो माता की गोद में आ गए। ये भगवान की कथा माता है और भगवान पिता है, तो इसके आ गए तो हमारा समस्या समाप्त हो गई। ध्रुव महाराज वनवास गए थे तपस्या करने पिता से और पितामह से बड़ा राज मांगने के लिए, परंतु जब भगवान का दर्शन हो गया, विष्णु को गरुड़ के ऊपर देख लिया, कहते मुझे अब कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं, संतुष्ट अस्मि। कोई भौतिक लाभ भी चाहिए, वरदान भी भगवान का चाहिए और भगवान की सेवा में लग जाए तो वो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए शास्त्र में कहा है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत सुहृद पुरुषम परम। चाहे कोई कामना हो या कोई कामना नहीं हो, या सब कामनाएं हो या मुक्ति की कामना हो, पर करो भक्ति और भगवान की तीव्रता से तो सब कुछ मिल जाएगा। भले भौतिक इच्छाएं क्यों ना हो, निश्चित रूप से भगवान की सेवा से सब पूरी हो जाएंगी। 49वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यथा हि स्कंद शाखानां तरोर मूलासे तरोर मूल सेचनम एवं आराधनम विष्णुः सर्वेषां आत्मनश्च हि। बहुत अच्छा श्लोक है। यथा हि स्कंद शाखानां तरोर मूला सेचनेन, किसी पेड़ के जड़ में पानी डालने से उसका स्कंद और शाखाएं, बड़ा तना छोटी शाखाएं पत्ते फूल फल, वो सारे ही हरे भरे हो जाते हैं। एवं आराधनम विष्णु, इसी प्रकार जो आराधना विष्णु की करे जो सारे जगत का मूल है, सर्वेशाम आत्मनस च ही, तो समझ लो चाहिए क्यों करे विष्णु की, बोला वही तो सबका परमात्मा है, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो जब कोई
पेड़ की जड़ में जल डालता है तो स्कंद शाखा सब अपने आप में संतुष्ट हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। ठीक इसी तरह जब भक्त भगवान विष्णु की सेवा करते हैं सब प्रकार से, क्योंकि भगवान परमात्मा है जो सबके हृदय में बैठे हैं, तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं, सबका भला हो जाता है। तो आत्मा जो विष्णु की सेवा करता है वो सबको प्रसन्न करता है और सबको लाभ देता है। अगर कोई अपने कर्तव्य कार्य नहीं करे जो वर्ण आश्रम के अंदर है, परंतु केवल भगवान की भक्ति करे तो भी वो सारे कार्यों का फल अपने आप प्राप्त कर लेगा, उसको अलग कार्य करने की जरूरत नहीं। और भगवान की अगर पूजा न करे और सारे अपने वर्ण आश्रम के कार्य अच्छी तरह से करे तो भी कोई फल नहीं। और इसीलिए ये उदाहरण दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग हम प्रचार में जाते हैं, कहते हैं अरे क्या करने का हरे कृष्णा, हम अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। कर्तव्य कर्म करो लेकिन भगवान को अर्पण ना करो तो कोई लाभ नहीं। और भगवान, और कभी कभी हमको कहते हैं आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपना काम नहीं कर रहे हो, केवल हरे कृष्णा जप रहे हो। केवल हरे कृष्णा जपने से सारे काम अपने आप हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मूल जड़ में पानी डाल रहे हैं ना, तो सब अपने आप काम हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। प्रभुपाद जी ने पद्म पुराण में लिखा है, आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मात परतरम देवी तदीया नाम समाचरम। आराधनम शब्द को लेके प्रभुपाद जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं पार्वती सबकी आराधना में भगवान विष्णु की आराधना सबसे श्रेष्ठ है, परंतु उनसे भी महान है उनके भक्तों की। तदीया नाम का मतलब जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जैसे तुलसी है, जैसे भगवान के भक्त हैं, गंगा जी है, ये भगवान से जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा से भगवान अधिक प्रसन्न करते होते हैं। यहाँ प्रभुपाद ने तो तदीय में लिखा है वैष्णव। बहुत से लोग हैं देवताओं की पूजा करते हैं भौतिक लाभ के लिए, क्योंकि कामनाएं अधिक हैं, कामेश तेते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कोई शंकर जी की पूजा करता है, कोई ब्रह्मा जी की पूजा करता है, कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई गणेश की करता है, कोई सूर्य की करता है, अलग अलग लाभ चाहते हैं। परंतु एक भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो जो सबसे अलग अलग मांग रहे हैं वो सब एक ही से मिल जाएगा, क्योंकि जड़ तो वो है, वो तो सब शाखाएं या डालियां हैं। भागवत में ऐसा ही श्लोक 4:31-14 में है, नारद जी कह रहे हैं प्रचेताओं को, यथा तरोर मूल निश्चनेन त्रपयन्ति तद स्कंद भुज उपशाखाः प्राणोपहारा च यथा इंद्रियाणां तथैव सर्वाहरणमचुत्यज्यया। इसमें दो उदाहरण है, जड़ में पानी देने से वृक्ष हरा भरा होता है, पेट में भोजन डालने से सारा शरीर पुष्ट होता है, ऐसे अच्युत की उपासना करने से, पूजा करने से सब जीव प्रकृति ब्रह्मांड सब सुखी हो जाता है। भगवत तुष्टे सर्व तुष्टे, इसका उदाहरण द्रौपदी के अक्षय पात्र से एक चावल का दाना कृष्ण मुख में डाला और 10,000 शिष्य दुर्वासों का पेट भर गया। एक भगवान को संतुष्ट करो, सारा जगत संतुष्ट हो जाएगा। ये तो हास्य में कहते हैं कि सुधामा विप्रा जब द्वारका गए थे, रुक्मणी ने पूजा की तो सब रानियां 16,108 ने कहा हमको सौभाग्य नहीं मिला ब्राह्मण की सेवा करने का, वो भी पेड़ा डाल के और फूल लेके माला लेके आरती करने आई। सुधामा एक फेड़ा खा ले, आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव शोभावती भव, 10 के बाद तो बेचारे का गला सूख गया, अब क्या करे, हाथ भी ऊपर न उठा। कृष्ण से पूछा और कितनी है, बोला अभी तो 10 हुई है, अभी तो 16,000 है और 98 बची हुई है, तो इतनी सारी पूजा करेंगे कौन खाएगा, कैसे करेंगे। सुधामा बेचारा चिंतित होना, कृष्ण का कुछ नहीं, आप मेरे एक को आशीर्वाद दे दो मुझे, ये सब संतुष्ट हो जाएंगे।
एक कृष्ण को आशीर्वाद देने से सुदामा ने सबको संतुष्ट कर लिया। एक कृष्ण की पूजा करने से हम सबको संतुष्ट कर सकते हैं। तो कृष्ण भावना अमृत संघ जो है ये कोई एक विशेष मत नहीं है, एक कोई अलग मजहबी या धार्मिक संस्था नहीं है, ये तो सब पूर्ण जगत के हित की कामना करने वाला कार्य है, क्योंकि जड़ में जल डालने का कार्य है। और इसमें प्रवेश करने के लिए आप कौन सी जाति से नहीं पूछा जाएगा, कौन से वर्ण से है ये नहीं पूछा जाएगा, कौन से देश से है आप पूछा नहीं जाएगा, कौन सा आपका मजहब है ये पूछा नहीं जाएगा। आपको आत्मा के रूप में स्वीकार किया जाएगा और कृष्ण की सेवा आपका धर्म है, यही कार्य आपसे कराया जाएगा। और आपको शिक्षित किया जाएगा कि कृष्ण की भक्ति कैसे करें, कैसे हम कृष्ण की भक्ति करें, ये सिखाया जाएगा। कौन है कृष्ण? बोला सारे विष्णु तत्वों का सार है, और उस एक की पूजा आपको सिखाई जाएगी तो आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे और आपके सारे कार्य पूर्ण और सिद्ध और शुद्ध हो जाएंगे। 50वां श्लोक पढ़ रहे हैं। नमस्तोभ्यम अनंताय दुरावित कर्यात्म कर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च साम्प्रतम साम्प्रतम साम्प्रतम। नमस्ते तुभ्यम अनंताय, हे अनंत आपको नमस्कार करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। दुर्वितर्काय, जिसके लिए कोई तर्क नहीं किया जा सकता। अनंताय का मतलब है सदा रहने वाले हैं, तीनों कालों में रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान में रहते हैं। दुर्वितर्काय का अर्थ क्या है? आत्मने, आत्मकर्मणे। आपके कार्य ऐसे अचिंत्य हैं जिनके लिए कोई तर्क नहीं किया जा सकता। निर्गुणाया, आपके अंदर कोई भौतिक प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं है। गुण ईशाया, क्योंकि आप सारे तीनों प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं। प्रकृति के स्वामी है तो प्रकृति के गुणों के स्वामी तो हो ही जाएंगे अपने आप। सत्व स्थाया, आप सदा ही विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। साम्प्रतम, सम्यक रूप से वहां प्रकट रहते हैं। ये नाथ हमारा प्रणाम आपके चरणों में है, जो अनंत हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान की सीमा से परे हैं, आपके कार्य अचिंत्य हैं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के प्रभाव से परे हैं, निर्गुण हैं, गुण ईश हैं, आपके अंदर कोई भौतिक कल्मिश नहीं है। परंतु इस समय आज आप सतोगुण का हित करना चाहते हैं, क्योंकि हम देवता सतोगुण में हैं और इस वक्त सतोगुण प्रधान है और हम आपको प्रार्थना करने आए हैं, आप हमारा हित कीजिए और हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। ये अनंत भगवान जिसके कार्य अचिंत्य हैं, हमें भौतिक आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, भौतिक वरदान नहीं चाहिए। हम तो यही जानते हैं कि आप सतोगुण को विश्व में स्थापित करना चाहते हैं और हम सतोगुण में हैं, तो हमारा आप हित कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं आप हमारी इच्छा पूरी करो या न करो, हमें मालूम नहीं है, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि आप अनंत हैं। हम भी त्रिकाल दृष्टि हैं, परंतु हम आपकी सर्वज्ञता को नहीं जानते कि आप सर्वज्ञ हैं, ये हम नहीं जानते हैं। हम भी
त्रिकाल दृश्य है, ब्रह्मा कहते हैं हम भी जानते हैं भूत भवित वर्तमान को, परंतु आपकी स्थिति क्या है ये हम नहीं जानते। आप क्या करेंगे ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि आपके कार्य अचिंत्य हैं। परंतु ब्रह्मा जी कहते मैं जानता हूं कि आप दयालु हैं, मैं आपका पुत्र हूं, मैं दयालु हूं, आप भी दयालु हूं, तो आप भी दयालु हैं और इंद्र की समस्या का समाधान करेंगे क्योंकि वो आपका भक्त है। आपकी कृपा होती है तो कोई भौतिक वरदान नहीं देते हैं जो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधा डालते हैं। परंतु आपकी जब कृपा होती है तो आप धन देते हैं, आप भी धन देते हैं जो गुणों से उत्पन्न होता है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं हम आपकी क्यों महिमा गा रहे हैं। ओ भगवान कहते हैं आप मेरी महिमा क्यों जा गाते हैं, अगर आपको यह संदेह है कि मैं धन देता हूं नहीं देता हूं, गुणों वाला है बिना गुणों वाला है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये सतोगुण का समय आ गया है और आप सतोगुण के अधिपति हैं विष्णु, इसलिए आप देवताओं के बल को बढ़ाएंगे क्योंकि वो सतोगुण में है। और वो ये भी मानते हैं कि भगवान जो है उनके भौतिक भोग को नहीं रोकेंगे क्योंकि वो पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं है देवता, उनकी अधिपति स्वामित्व का भाव है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी है, जैसे भगवत गीता में कहा गया है निर्गुणम गुण भोक्तृचा, भौतिक प्रकृति से परे होते हुए भी भगवान भोक्ता है, ये उनके स्वामी है। भगवान संसार में ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में तीन गुण अवतार होके संसार का संचालन चलाते हैं। और इनमें से स्वयं भगवान विष्णु सतोगुण के अधिपति हैं, रजोगुण और तमोगुण ब्रह्मा जी को और शंकर जी को दिया है, परंतु तीनों गुणों के अंत तो गत्वा तो स्वामी भगवान ही है। ब्रह्मा जी कहते हैं आपने इस वक्त सतोगुण का कार्य संभाल लिया है और मैं समझता हूं कि आप देवताओं का हित करेंगे, उनको सफल करेंगे। इस वक्त देवताओं के ऊपर असुरों ने आक्रमण कर दिया है और असुर तमोगुण वाले हैं, अब सतोगुण का समय आ रहा है ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और निश्चित रूप से आप देवताओं का हित करते हैं और देवता आपके महिमा को जानेंगे, इसलिए भगवान को यहां अनंत कहा गया है। ब्रह्मा भी भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, परंतु वो भगवान कार्य कैसे करते हैं ये नहीं जानते हैं। यह हमारा ये अध्याय पूर्णावति को पहुंचता है। बाहर जगन्नाथ रथ यात्रा आ गई है, कल छठे अध्याय का आठवें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। आज कथा को विराम देते हैं, आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो पूछ लेंगे प्रश्न। हाँ आज कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण धन्यवाद। राधे राधे श्याम।